रावलपिंडी से खबर शामिल करते हैं, जहां पर आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत होने वाली कवर कमांड कॉन्फ्रेंस में न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर और स्ट्रेटेजिक असासों की सिक्योरिटी के इंतजाम से मुतल्लिक मुकम्मल एतमाद का इजहार किया गया। पाक फौज के अदारे तल्लुकात यामा की जानिब से जारी करदा बयान में बताया गया है कि कवर कमांड कॉन्फ्रेंस में मुल्क की दाखिली और खारजी सिक्योरिटी, फौज की ऑपरेशन तैयारियों, अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी से मुतल्लिक अहम मामलात का जायजा लिया गया। आर्मी चीफ ने कहा है कि पाक आर्मी हर किस्म के खतरात से निपटने के लिए हर दम तैयार है। कवर कमांडर कॉन्फ्रेंस में सिंध और बलोचिस्तान में सैलाब के बाद रिलीफ और बहाली के कामों का भी जायजा लिया गया है। आर्मी चीफ फॉर्मेशन के ऑपरेशनल तैयारी और मुसलसल कोशिशों को सराहा। कवर कमांडर्स ने कहा है कि पाकिस्तान के आर्मी हथियारियों की सिक्योरिटी का इंतजाम आर्मी मियार के मुताबिक है। जोहरी सलामती के निजाम को मजबूत बनाने के लिए जरूरी इकदाम किए हैं। पाकिस्तान एटमी हथियारों से लीज जिम्मेदार मुल्क है।